हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रिएटिविटी फॉर यू। इस वीडियो में हम देखेंगे इस तरीके का डिज़ाइन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये जो डिज़ाइन क्रिएट किया है इसमें एक एक लेयर हमारी अलग हो रही है। अभी हमने इस फाइल को लॉक नहीं किया है, तो हम ये देखेंगे इस तरीके से हम किस तरह से अपनी लेयर को बना सकते हैं और इसमें कलर कैसे हम देंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम इसको हटा देते हैं, यहाँ से नो कर देते हैं। अब इस वाली लेयर पे हम काम करेंगे। इसको पहले हम एक डुप्लीकेट लेयर इसकी बना लेते हैं। एक और लेयर इसकी हम बना लेंगे। ये देखिए, इस वाली लेयर पर जाएंगे, कंट्रोल टी करेंगे, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस तरह से। कंट्रोल टी करके शिफ्ट और कंट्रोल को प्रेस करके हम इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए, हमने इतना बड़ा कर लिया इसको। अब हम यहाँ से जाएंगे फ्रेंड, देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे इस जगह पर, और यहाँ से इसकी ऑपेसिटी बिल्कुल माइनस कर देंगे, बिल्कुल हमने कम कर दी है। इस वाली लाइन पर हम डबल क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पर जाएंगे, यहां से हम किसी भी कलर का स्ट्रोक ले लेंगे, ओके कर देते हैं हम यहां से। यहां से हम बस ये 10% सही है, यहां से हम ओके कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड, ये हमारी लेयर बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा करेंगे। अब हम इसकी एक और लेयर बनाएंगे, फिर से हम कंट्रोल जे करेंगे और कंट्रोल टी करके हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड, हमारी 3 लेयर बन गई है। हम चाहें तो और भी बना सकते हैं। अब हम इस वाली लेयर को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसमें आउटर ग्लो थोड़ा सा प्लस करेंगे इस तरह से, देखिए। और यहाँ से हम स्ट्रोक पर जाएंगे, इसको हम कोई और कलर देंगे। चलिए, हमने ग्रीन कलर का स्ट्रोक दे दिया है, यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ से भी हम इसको ओके कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।